हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा, वे क्या होते हैं और उनको ज्ञात करने की टीएलएम के माध्यम से भी सरल विधि छोटे बच्चों के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आज पार्ट थ्री में हम इनके मेथड्स पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड टू फाइंड एलसीएम। बच्चों, एलसीएम याद करने के तीन मेथड हैं। पहला है एलसीएम बाय यूजिंग आउट द मल्टीपल्स, दूसरा एलसीएम यूजिंग रिपीटेड डिवीजन और तीसरा एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो पहली विधि है एलसीएम, उसमें मल्टीपल्स लिखते हैं, जैसा कि हमने उस समय भी आपको बताया था टीएलएम के माध्यम से। और दूसरा है विभाजन विधि और तीसरा अभाज्य गुणन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एलसीएम होता है उसका मतलब होता है मल्टीपल्स निकालना, और मल्टीपल्स में भी पहले कॉमन मल्टीपल्स फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब सबसे छोटी उभयनिष्ठ जो गुणज होता है वो निकालना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं जिसमें मल्टीपल्स निकालते हैं। तो जैसे हम छोटा नंबर लेते हैं 3 and 8, हमको इसका निकालना, तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे उसके बाद 8 का टेबल पढ़ेंगे। छोटी संख्याओं के लिए तो टेबल पढ़ना ठीक है, लेकिन अगर हम 36, 48 ले लें तो जब उनके हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे तो हमको बहुत लंबा टेबल पढ़ना पड़ेगा। अभी हम जैसे छोटा नंबर, तो फर्स्ट में तो नंबर स्वयं होता है एंड सो ऑन, है ना, आगे तक बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होते हैं। 8 का पढ़ना तो एंड सो ऑन। अब हम इनके कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे मल्टीपल लिखने के बाद, तो हम देखेंगे 24 हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है ना। उसके बाद हम इसको और आगे लिखते तो हमारा 48 भी आता, और लिख देंगे हम इसको, लिख ही देते हैं, तो देखिए आ गया 48, है ना, यहाँ पे हमारा 48 भी आ गया। तो 24 and 48। फिर हम कॉमन मल्टीपल निकालने वाली लिस्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गई, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं। मैंने बताया ना, खूब लंबा हमको टेबल लिखना पड़ता है, तो छोटा नंबर है, अगर हम बड़ा नंबर लेते हैं तो हमको खूब लंबे लंबे टेबल लिखने पड़ते। तो फिर हम क्या किए, दूसरी विधि लाए एलसीएम यूजिंग रिपीटेड डिवीजन। इसको हम देख लेते हैं क्या होता है इसके एग्जांपल के द्वारा। इसके लिए हम विभाजन विधि इसको बोलते हैं, रिपीटेड डिवीजन को। इसके लिए चलिए हम नंबर लेते हैं 24, 36, ये दूसरी मेथड है, 54 and 81, और ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज है, नहीं तो फर्स्ट स्टेप में हम पहले नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये 54 है, हम इनको एक साथ लिख लेंगे। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, तो हम सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या है 2, तो 2 से देखेंगे कौन कौन डिवाइड होते हैं, 81 नहीं होता, तो हम इसको जस का तस उतार देंगे। ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, आगे फर्दर इसका स्टेप करते रहेंगे, 27 नहीं होगा और 81 भी नहीं होगा। आगे हम देखते हैं इसका, फिर ये 2 से हो जाएगा, जब तक ये 2 से डिवाइड होगा हम इसी तरीके से लिखते जाएंगे। इसके बाद अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगला हम लेंगे 3, फिर हम 3 लेंगे, फिर हम 3 लेंगे, जब तक कि हमारा ये 1 नहीं आ जाता, और ये 3 हमारा, फिर से हम इसको 3 लेके ख़त्म कर देंगे। फिर हम इनको एक साथ इनकी लिस्टिंग करेंगे, तो देखिए जब हम इसको लिखेंगे आगे तो हमारा 2, 3 बार है, उसके बाद हमारा 3, 4 बार है। फिर हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 × 8, है ना, 8 × 3 = 24 हो गया, ये छोटा कर लेते हैं हम, 3 × 9 = 27। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 648। तो ये हमारे जो नंबर हैं, इन चारों नंबर का एलसीएम हमारा 648 हो गया। अगली मेथड देखते हैं एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्रत्येक नंबर का अलग अलग, है ना, हम इसको लिखे रहने देते हैं, चेक भी कर लेंगे हम। इसी नंबर का हम निकालते हैं, हम 24 का अलग से निकालेंगे, सब नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे। ये 2 से होगा, सबसे छोटा नंबर हमारा 2 6 जा 2 3 जा, उसके बाद 3, उसके बाद हम 36 से लेंगे, इसका हम करेंगे, इसके बाद 54 लेंगे, ये आगे नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, उसके बाद हमारा 81, फिर 2 से नहीं जाता, सीधे 3 से जाता है। अब हम सबको कॉमन लिखेंगे, अलग अलग पूरा इनको करके लिखते जाएंगे। तो हम यहाँ पे ब्लॉक बना लेते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे 24, तो 24 के फैक्टर क्या आ गए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2
क्रॉस थ्री। हम इसको शॉर्ट मेथड से लिख सकते हैं, तो टू में थ्री का पावर और थ्री, थ्री में वन का पावर। नेक्स्ट स्टेप में मैं बता दूंगी इसको, ये 36 हो गया, 36 को हम लिखेंगे टू टू और थ्री थ्री। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 54, 54 को हम लिखेंगे टू फिर थ्री फिर थ्री फिर थ्री, है ना, ये हमारे एक और हो गए हैं। फिर हमारा 81, इसमें थ्री 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 एंड थ्री। इस तरीके से हम पूरा इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको लिखने के बाद सबको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इंडेक्स फॉर्म हमारा 24 का क्या आएगा, टू में थ्री का पावर तीन बार है, थ्री में वन का पावर, और हम 36 को लिखेंगे जब, इसको हम अलग कर देते हैं। इसके बाद 36 को हम लिखेंगे तो 36 में हमारा टू में टू का पावर और थ्री में टू का पावर। फिर हम 54 लिखेंगे तो 54 में हमारा टू में वन का पावर और थ्री में थ्री का पावर। हम 81 लिखेंगे जब तो हमारा टू में एक भी पावर नहीं, मतलब शून्य कर देंगे। और हम जानते हैं जब एक्स में जीरो का पावर तो उसकी वैल्यू होती वन, तो यहाँ वन आएगा, हमारे इस मल्टीप्लाई में कोई भी फर्क नहीं आएगा, थ्री में फोर का पावर, ठीक है। अब हम इसमें हाईएस्ट, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम हाईएस्ट इंडेक्स देखते हैं। हमारे पास सेम नंबर है टू और थ्री, मान लीजिए फाइव भी किसी में आता, अगर मान लीजिए यहीं पे फाइव आता, इनमें नहीं होता, तो हम यहाँ पे भी फाइव में जीरो, फाइव में जीरो, फाइव में जीरो का पावर, यहाँ पे फाइव में वन रहता तो हम करते, क्योंकि हमारे पास टू और थ्री सेम नंबर आए हैं और टू और थ्री सब में है। इसमें टू नहीं था इसलिए मैंने इसमें बराबर करने के लिए टू में जीरो का पावर कर दिया। अब आप देखेंगे पूरी लाइन में तो हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 24 में टू में थ्री का पावर, है ना, छोटा लिख देती हूँ, टू में थ्री का पावर, और यहाँ आप देखेंगे तो थ्री में फोर का पावर। तो जब टू में थ्री का पावर और थ्री में फोर का पावर, मतलब हम कैसे लिखेंगे, इसी टाइप से लिखेंगे, टू को थ्री बार और थ्री को फोर बार, तो भी हमारा आंसर यहाँ पे 24 प्लस 27 मतलब 648 आएगा। तो हम किसी भी मेथड से एलसीएम निकालें, हमारा इसी तरीके से आंसर आएगा। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं, हाईएस्ट इंडेक्स देखते हैं ना, ये हमारा थ्री है इंडेक्स, ये वाला हमने लिया था, ये वाला हाईएस्ट, यहाँ पे शून्य है, ए पे यहाँ दो, यहाँ पे तीन, और यहाँ पे देखें एक दो तीन चार, ये वाला, तो हम हाईएस्ट इंडेक्स देखते हैं। एचसीएफ करेंगे, मान लीजिए इसी नंबर का हमको एचसीएफ निकालना रहता तो हम क्या करते, जब मैं एचसीएफ कराऊंगी तब और बताऊंगी, एक बार बता देती हूँ आप लोग को, तो यहाँ पे हम यही चीज़ हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब हम एचसीएफ निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम हाईएस्ट की जगह लोएस्ट देखते हैं। तो लोएस्ट क्या है, टू में जीरो, है ना, और यहाँ पे थ्री में वन, थ्री में वन, तो टू में जीरो मतलब वन हो गया और थ्री में वन मतलब थ्री, तो एचसीएफ क्या आएगा, थ्री आएगा। तो एलसीएम हमारा 648 आया और एचसीएफ हमारा 3 आया, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ, ये चारों नंबर का। तो बच्चों ये था हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकाले हमने, मतलब उन्हीं नंबरों का मैंने एचसीएफ आपको इस मेथड से भी निकालना बता दिया। और अगर ये चार नंबर है, दो नंबर लेते तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के बराबर होता है, वो हम आगे प्रूफ करेंगे। तो हमारा एचसीएफ इन चार नंबरों का 3 था और एलसीएम 648 था। अब हम एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ क्या होता है, उसकी मेथड्स ये है। एचसीएफ निकालने की तीन विधियाँ, पहली फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं, दूसरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा डिवीजन मेथड या भागफल विधि या विभाजन विधि। तो एचसीएफ जैसे कि आप सब जानते हैं बच्चों, फैक्टर निकालते हैं ना, भाग करना, जैसे एलसीएम में गुणा करना होता है तो इसमें एचसीएफ में भाग करना होता है, उसमें मल्टीपल निकालते हैं, इसमें फैक्टर निकालते हैं। फिर कॉमन फैक्टर देखते हैं, उसमें लोएस्ट मल्टीपल देखते थे, इसमें हाईएस्ट फैक्टर देखते हैं, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, और उसमें सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज देखते थे। तो गुणज और गुणनखंड, गुणनखंड इसका अंतर है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं, गुणनखंड विधि। तो हम इसमें कोई भी नंबर हम लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया है 36 एंड 45, तो हम इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो 36 के फैक्टर्स, गुणनखंड बोलिए, फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो हम देखते हैं 36 किससे किससे विभाजित होता है। एक से पूरा का पूरा हो जाता है 36, हम टू का टेबल पढ़ेंगे तो टू के टेबल में तीन बार में आता है, हम थ्री का पढ़ेंगे तो 12 बार में आता है, फोर का टेबल पढ़ेंगे, छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं तो फोर के टेबल में 9 बार में जाता है,
फाइव के टेबल में नहीं आता, सिक्स के टेबल में सिक्स सिक्स जाता, फिर सेवन के टेबल में नहीं आएगा ये, एट के टेबल में भी नहीं आता, नाइन के टेबल में फोर बार में है ना, नाइन के बाद टेन, इलेवन में नहीं आता, फिर ट्वेल्व में आता, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एट्टीन में टू, तो ये रिपीटेड होता। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी ना जैसे मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, तो ऐसे लिखते हैं इसको, वन फिर टू के बाद यहाँ पे इससे छोटा एट्टीन, फिर यहाँ पे हमने थ्री लिखा तो इससे छोटा ट्वेल्व, फिर हम यहाँ पे फोर लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे नाइन, उसके बाद अच्छा है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ये दोनों मेथड से। ये हो गया फैक्टर निकालना। दूसरा है इसका 45, 45 का हम कैसे करेंगे, तो वन क्रॉस 45 कर लेंगे, उसके बाद टू के टेबल में नहीं आता है, थ्री के में आता है 15 बार में, फोर के में नहीं आता है, फाइव के में आता है 9 बार में, सिक्स में नहीं आता, सेवन में नहीं आता, एट में नहीं आता, सीधे नाइन में आता है, तो देखिए नाइन है ना, नाइन के बाद सीधे 15, उसके बाद 45। तो हम इसको भी कैसे लिखेंगे, वन यहाँ पे 45, यहाँ पे थ्री, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे फाइव, तो यहाँ पे नाइन, तो ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब हम इसके कॉमन फैक्टर देखेंगे, ये देखिए वन है, वन है, गोला लगा लीजिए, कि थ्री है, थ्री लिख लीजिए, थ्री के बाद फोर सिक्स नहीं है, फाइव इस पर नहीं है ना, नाइन है, नाइन लिख लीजिए, उसके बाद ट्वेल्व एट्टीन थर्टी सिक्स, यहाँ पे कुछ नहीं, नाइन। तो ये हो गए हमारे कॉमन फैक्टर। अब हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना, तो हमारा है नौ, तो हमारा एच सी एफ क्या हो गया, इन दोनों संख्याओं का आंसर हो गया हमारा नाइन। तो हमेशा छोटे आते हैं आंसर में, जब भी मैं एच सी एफ किसी संख्या का निकालते हैं संख्याओं से छोटे रहते हैं है ना, और जब हम मल्टीपल मतलब एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा संख्या से बड़ा आता है, ये मैंने टिप्स में आपको बताया है, पिछले मेरे दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। अब दूसरी मेथड हम देखते हैं, दूसरी मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। यही नंबर हम लेते हैं, सेम एग्जांपल में समझाती हूँ। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, दूसरी मेथड अभाज्य गुणनखंड। तो हम 36 लेंगे और इसका गुणनखंड निकालेंगे, और हम 45 का भी गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर 18 आएगा, फिर टू का टेबल 9 बार आएगा, अब ये टू से नहीं जाएगा, थ्री थ्री जा 9 और ये 31 हो गया। उसके बाद हम लेंगे 45, तो 45 में हमारा क्या होगा, टू से नहीं जाएगा, थ्री से जाएगा 15, फिर थ्री से जाएगा 5, फिर थ्री से नहीं जाएगा 5, तो ये हमारा हो जाएगा 335 हो जाएगा। अब हम इसको लिस्टिंग करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36, यहाँ पे लिखेंगे 45, तो ये 2 × 2 × 3 × 3, उसके बाद यहाँ पे 3 × 3 × 5 × 1, आप शुरू में भी 1 लिख सकते। अब हम इनका कॉमन फैक्टर देखेंगे, दोनों में क्या क्या कॉमन फैक्टर, ये वाला 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 1, ये 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 = 9 बन जाए 9, इसमें 9 आया हमारा आंसर। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर 9 आएगा। अब तीसरा मेथड हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन का मतलब होता है भाग है ना, विभाजन विधि। विभाजन विधि में क्या होता है, हम छोटा नंबर देखते हैं और छोटे नंबर को हम डिवाइजर बनाते हैं और बड़े नंबर को हम डिविडेंड बनाते हैं। तो हमारा छोटा नंबर है 36, तो 36 को हम यहाँ लिखेंगे और 45 को यहाँ, और अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वन बार में ही जाएगा 36। अब हमारा रिमाइंडर कितना बचा देख लेते हैं, 9 बचा हमारा रिमाइंडर। अब ये छोटा नंबर हो गया है ना, तो अब ये हमारा बन जाएगा डिवाइजर और हमारा डिविडेंड बन जाएगा 36। अब ये 9 के टेबल में 36 कितने बार में जाता है, 4 बार में। हम इस मेथड को जब तक करते हैं जब तक 0 नहीं आता है ना, तो अब ये मतलब फर्स्ट में ये छोटा नंबर डिविजर, बड़ा नंबर डिविडेंड, फिर हमारे यहाँ पे 9 बचा, तो अब 9 हमारा डिविजर हो जाएगा और 36 हमारा डिविडेंड। अगर यहाँ पे रिमाइंडर बचता तो हम फिर से इसको हम यहाँ पे लिख देते डिविजर, और हम करते रहते हैं, हमारा ये डिविडेंड बन जाता और यहाँ पे जो रिमाइंडर आता वो डिविजर बन जाता, जब तक 0 नहीं आता। चूँकि अब यहाँ पे 0 आ गया, तो हमारा यहाँ पे यही छोटा जो बाद में आया यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये भी बहुत सक्सेस नहीं है, इसलिए इसको अपनाते नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा एच सी एफ निकालने का मेथड हो गया। अब हमको अभाज्य गुणनखंड जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे एलसीएम एच सी एफ एक साथ निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो हमने वही 36 45 लिया है, इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 में देखिए 2 बार 2 है, 3 बार
है ना, लिख दिया। अभी आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद 45 का हम देखेंगे तो 3 2 बार और 5 1 बार। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 1 बार भी नहीं तो 2 में 0 का पावर कर दी, इसमें 5 नहीं तो 5 में 0 का पावर। किसी भी संख्या पे जब 0 का हम इंडेक्स या पावर लगाते हैं उसका मान 1 होता है। फिर हम जब एलसीएम निकालते हैं तो मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट इंडेक्स देखते हैं। तो 2 में हाईएस्ट इंडेक्स 2 ये वाला है तो इसको लेंगे, और 3 में तो कॉमन है, दोनों में एक समान है। और फिर जब 5 में लेंगे तो ये वाला लेंगे क्योंकि इसका हाईएस्ट इंडेक्स ये वाला है। तो गुणा करेंगे, 2 2 4 3 9 5 1 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। अब हम एचसीएफ देखना हमको, तो हम एचसीएफ में आपको क्या बताएं, हम एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो हम यहाँ पे लोएस्ट इंडेक्स देखते हैं, तो लोएस्ट इंडेक्स ये हमारा 2 0, और ये चूंकि सेम है तो इसी को लिख देंगे, और यहाँ पे भी हमारा ये तो 5 में 0, 1 9 1, तो आंसर आएगा 9। तो हमारा एलसीएम जो आया था इसका 180 आया था, और एचसीएफ जो आया था 9 आया था। अब हम चेक द आंसर करें, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एक साथ एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए। हम जानते हैं कोई भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमारा एलसीएम आया 180 और एचसीएफ आया हमारा 9। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यह मल्टीप्लाई 36 और 45 के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो मतलब हमारा आंसर सही है। हम इसको चेक कर लेते हैं। जब हमने इन दोनों नंबर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, तो 1620 आया 1620, और हमने 36 और 45 का भी मल्टीप्लाई किया तो 1620 आया। तो इस तरीके से ये जो हमारा सिर्फ फार्मूला जो हम पढ़ते हैं निकालने के लिए, तो ये हमारा सही है। मतलब इसमें एक होता क्या है, चार चीज़ में कोई भी एक चीज़ मिसिंग है। मान लो ये चीज़ मिसिंग है, ये दी है ये दोनों नंबर, तो आप ये निकाल सकते हो। ये मिसिंग है, ये तीनों दिए हैं तो ये निकाल सकते हो। कोई एक नंबर दिया और एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो आप अनदर नंबर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमारी आज का सेशन यही समाप्त होता है। इसके फोर्थ पार्ट में मैं कुछ ट्रिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे एक साथ चार नंबर दिए हैं तो दशमलव और भिन्न संख्याओं का भी हम एलसीएम कैसे निकालते हैं उसी ट्रिक्स में बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।